एक श्लोक, एक सुभाषित जो हमने सुना है उसको एक बार याद करेंगे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हम सभी ने यह सुभाषित सुना है। इसमें कुछ शब्द हम बोलते हैं, विवादाय मदाय परपीडनाय ज्ञानाय दानाय रक्षणाय इत्यादि। ये सभी पदों का, इन सभी शब्दों का अगर हम विचार करेंगे तो ख्याल में आता है कि इनमें एक समानता है। वो समानता क्या है, आपके भी मन में प्रश्न तो उठता ही होगा। चलो आज उसका समाधान ढूंढते हैं। ये सभी शब्द जो है ये चतुर्थी विभक्ति में उपयुक्त होने वाले शब्द हैं। चतुर्थी विभक्त्यंत शब्द है। ये चतुर्थी विभक्ति क्या है, जैसे हमने पहले भी देखा, संस्कृत में धातुओं के साथ जब हम कुछ प्रत्ययों को जोड़ते हैं तो उसमें धातु रूप तैयार होते हैं जिनको हम क्रियापद वगैरह कहते हैं। दूसरा, शब्दों के साथ और प्रत्यय जुड़ते हैं जिसे हम विभक्ति प्रत्यय कहते हैं, उससे शब्द रूपों का निर्माण होता है। इन विभक्तियों के श्रृंखलाओं में चतुर्थी विभक्ति को हम इस पाठ में जानने का प्रयास करेंगे। यहां जो वाक्य दिए हुए हैं, पहले हम उन वाक्यों को पढ़ते जाएंगे क्रम से, फिर विषय का गहन अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। वैद्यः रुग्णाय औषधम यच्छति। यहां रुग्णाय इस शब्द के साथ पहला क्रमांक, एक नंबर लिखा हुआ है रुग्णाय। इसका विवरण हम बाद में देखेंगे। रुग्णाय अर्थात रुग्ण को, रुग्ण के लिए। वैद्यः रुग्णाय औषधम यच्छति, रुग्ण के लिए औषध देता है। कौन? वैद्य, डॉक्टर। धनिकः निर्धनाय धनम यच्छतु, निर्धनाय अर्थात निर्धन को, निर्धन के लिए। जो धनिक है, जिसके पास पैसा है, वह धनिक निर्धन को धन देवे। लेखकः पत्रिकायै लेखम लिखतु। यहां पत्रिकायै में दो नंबर ऐसा लिखा है, दो का आंकड़ा दिया हुआ है, अंक दिया हुआ है, हम उसे बाद में जानेंगे। पत्रिकायै, यहां भी पत्रिका के लिए, ऐसा उसका अर्थ होता है। पत्रिकायै लेखम लिखतु। कवयः कीर्त्यै काव्यम लिखन्तु। जो कवि है वे कीर्ति प्राप्त करने के लिए काव्य लिखें, ऐसा उसका अर्थ हुआ। स्त्रियः उद्योगाय, उद्योग के लिए स्पर्धन्ताम्, उद्योग के लिए वे स्पर्धा करे। आगे ऐश्वर्यम् अहंकाराय भवति। यहां अहंकाराय शब्द के साथ तीन ऐसा अंक लिखा गया है। ये सभी अंकों को हमें याद रखना है, इन सभी के आधार पर हम चतुर्थी विभक्ति को भलीभांति समझने वाले हैं। आगे ऐश्वर्यम् अहंकाराय भवति, जो ऐश्वर्य होता है वो अहंकार में परिणित होता है, उसका अहंकार में रूपांतरित होता है, ऐसा उसका अर्थ है। अब हम अर्थ में न जाते हुए केवल वाक्यों को पढ़ते जाएंगे और आगे आगे जैसा समय आएगा हम उनके अर्थों को भी समझेंगे। शक्ति ही परपीडनाय भवति, विद्या विवादाय मा भवतु, विद्या ज्ञानाय कल्पताम, कल्पताम का मतलब होवे इस अर्थ से। लक्ष्मी ही पंडिताय असूयति, यहां चार ऐसा अंक आया है। त्वं चतुराय असूयसि, नृपतयः शत्रुभ्यः कुप्यन्तु, पूतना हरये कुप्यति,
शिष्यः गुरवे द्रुह्यति, विक्रयिकः ग्राहकाय द्रुह्यति, मोदकं तुभ्यं रोचते वा। यहाँ पांच ऐसा अंक आया है, इसे हमें याद रखना है। रोचते मतलब अच्छा लगता है, पुष्पाणि तरुणिभ्यः रोचन्ते, संस्कृताभ्यासः मह्यं बहु रोचते, गुरवे नमः। यहाँ छह ऐसा अंक है। नारायणाय नमः, हमारे भी परिचित बहुत उदाहरण है। शिवाय नमः, गणेशाय नमः, इस प्रकार। अग्नये नमः, श्रुत्यै नमः, श्रुति मतलब वेद, क्योंकि वो श्रवण से आगे गए इसलिए उसको श्रुति ग्रंथ ऐसा भी कहा जाता है। आगे प्रजाभ्यः स्वस्ति, सर्वेभ्यः स्वस्ति, शिशुभ्यः स्वस्ति। यहाँ छः ऐसा अंक आया हुआ है। आगे अतिथयः गृहाय आगच्छन्तु, अतिथयः गृहम् आगच्छन्तु, ऐसा ही उसका अर्थ है। अतिथि घर में आवे, लेकिन यहाँ गृहाय ऐसा दिया है और वहाँ सात ऐसा अंक दिया हुआ है। गोविन्दः नगर्यै गच्छति, गोविन्दः नगरीम गच्छति, नगर को जाता है, ऐसा ही उसका अर्थ है। अहम् ग्रामाय गच्छामि, अहम् ग्रामम गच्छामि, इस अर्थ में उसका प्रयोग है, लेकिन यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इन सभी वाक्यों में जो स्थूलाक्षर में मोटे टाइप में लिखा हुआ शब्द है, रुग्णाय, निर्धनाय, पत्रिकायै, कीर्त्यै, उद्योगाय, अहंकाराय इत्यादि, ये सभी शब्द चतुर्थी विभक्त्यंत शब्द है। इसमें जो अंक दिए हुए हैं उन अंकों का कोई विशेष तात्पर्य है। हम उन तात्पर्यों को अगर जाने समझे तो हमें चतुर्थी विभक्ति स्पष्ट हो जाएगी। इसके जो रूप होते हैं वो रूप कैसे होते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। चतुर्थी विभक्ति रूपाणी, अकारांत शब्द अगर है तो पुल्लिंग में उसका रूप होगा रामाय रामेभ्यः, एकवचन एवं बहुवचन का रूप यहाँ दिया है, रामाय रामेभ्यः। अकारांत ही शब्द है किंतु नपुंसक लिंग है, जैसे वनम, वनाय वनेभ्यः, एकवचनम तथा बहुवचनम। स्त्रीलिंग में अकारांत शब्द नहीं होता इसलिए उसके रूप यहाँ नहीं दिए गए हैं। आकारांत शब्द प्राथमिक स्तर पर हम उसका अध्ययन पुल्लिंग में नहीं करते, अतः उसके रूप यहाँ नहीं दिए गए हैं। स्त्रीलिंग में रमायै एकवचन, रमाभ्यः बहुवचन। नपुंसक लिंग में भी आकारांत शब्द नहीं होता संस्कृत में। इकारांत शब्दों में अगर पुल्लिंग है, हरिः ऐसा अपना परिचित शब्द है, उसके चतुर्थी विभक्ति में रूप होंगे हरये हरिभ्यः, एकवचनम तथा बहुवचनम। स्त्रीलिंगे स्त्रीलिंग में शब्द रहेगा मतिः, और वैसे और सारे शब्द उसके रूप कैसे होंगे, मतये मतिभ्यः। नपुंसक लिंग में भी इकारांत शब्द, ह्रस्व इकारांत शब्द आता है, दधि मतलब दही, दध्ने दधिभ्यः, ऐसे उसके एकवचन और बहुवचन के रूप बनेंगे। ईकारांत दीर्घ ईकारांत शब्द पुल्लिंग में भले ही होते हो, लेकिन अभी शुरुआत के अभ्यास में उसकी आवश्यकता न होने के कारण हम उसका यहाँ उल्लेख नहीं करेंगे। स्त्रीलिंग में लेखन्यै लेखनीभ्यः, लेखनी ऐसा दीर्घ ईकारांत शब्द है, नपुंसक लिंग में उसके रूप नहीं होंगे। उकारांत में गुरुः ऐसा शब्द है, उसमें गुरवे गुरुभ्यः ऐसे एकवचन और बहुवचन का चतुर्थ विभक्त्यंत रूप बनेगा। स्त्रीलिंग में धेनुः ऐसा शब्द है, धेनवे धेनुभ्यः ऐसे उसके रूप बनेंगे। नपुंसक लिंग में मधु ऐसा शब्द है, मधुने मधुभ्यः
ऐसे उसके रूप बनेंगे। इन सारे रूपों को एक साथ देने के पीछे भी कोई हेतु है। जैसे हमने पहले भी देखा है कि इनमें थोड़े थोड़े अंतर होते हैं। अगर हम उन सारे रूपों को एक साथ देखें तो उन अंतरों को समझ पाएंगे और मन में संभ्रम नहीं होगा। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में भिन्न भिन्न अंतवर्ण के साथ जो अलग अलग रूप होते हैं, भिन्न भिन्न रूप होते हैं, हाँ उन सभी रूपों को अगर एक साथ जानेंगे, पहचानेंगे तो हमें स्पष्टता होगी। इस उद्देश्य से ये सारे एक साथ दिए हैं। हमें चाहिए कि हम इन रूपों को भलीभांति समझें, याद करें, ताकि हम इसमें इसका प्रयोग आसानी से कर पाएंगे। सर्वनाम शब्दों के भी रूप होते हैं, चतुर्थी विभक्त्यंत। वे कैसे होते हैं यहां देखेंगे। दकारांत तद शब्द पुल्लिंग में कैसा होगा? तस्मै तेभ्यः। नपुंसकलिंग में भी वैसा ही होगा, तस्मै तेभ्यः। स्त्रीलिंग में रूप भिन्न होगा, तस्यै ताभ्यः, ऐसा रूप होगा। दकारांत एतद शब्द है, उसमें पुल्लिंग में एतस्मै एतेभ्यः, वैसे नपुंसकलिंग में भी एतस्मै एतेभ्यः, ऐसे रूप होंगे। स्त्रीलिंग में यहां भी फर्क रहेगा, एतस्यै एताभ्यः, ऐसे रूप बनेंगे। अगर हम प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछने के लिए किम ऐसा शब्द है, उसका पुल्लिंग में रूप चतुर्थी विभक्ति तंत होगा, कस्मै केभ्यः। नपुंसकलिंग में भी कस्मै केभ्यः, ऐसे रूप होंगे। स्त्रीलिंग में कस्यै काभ्यः, ऐसे रूप बनेंगे। दकारांत जो त्रिलिंग का शब्द है, अहम ऐसा जो शब्द है, अस्मद जो मूल शब्द है, उसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में तीनों लिंग में होने के कारण उसे त्रिलिंग का कहते हैं। उसमें रूप बनेंगे मह्यम, अस्मभ्यम, एक वचन में और बहुवचन है, मुझे, हम सबको, ऐसा उसका अर्थ रहेगा। दकारांत त्रिलिंग शब्द युष्मद ऐसा है, तुम ऐसा उसका अर्थ रहेगा। उसमें रूप बनेंगे तुभ्यम युष्मभ्यम, इस प्रकार से। तो हमें चाहिए कि हम इन सभी रूपों को अच्छी तरह से समझें और उस प्रकार उसको जाने, याद रखें। अब हम उन शब्दों के साथ दिए गए अंकों की तरफ जाएंगे और इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। चतुर्थी विभक्ति को समझने के लिए संस्कृत में कुछ नियम दिए गए हैं, उन्हीं नियमों का इन अंकों से तात्पर्य है। पहला अंक जहां दिया गया है, हम पुस्तक में देख सकते हैं, रुग्णाय, ऐसा शब्द वहां दिया गया है। उसका अर्थ भी वही दिया गया है, रुग्ण को, जो रोगी है, रोगी को। यहां एक महत्वपूर्ण नियम है संस्कृत में, और वह नियम यह है कि जिसको हम कुछ देते हैं, जिसे कुछ दिया जाता है, उस व्यक्ति का निर्देश करने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, माता बालकाय मोदकम ददाति। इसमें देने वाली है माता, देने वाला पदार्थ है मोदकम, और किसे दिया जा रहा है? बालक को दिया जा रहा है। अतः जिसे दिया जाता है उसकी चतुर्थी होती है इस नियम के अनुसार, बालकाय, ऐसा उसका रूप होगा। अब कोई भी चीज दी जा सकती है, लेकिन जिसे देंगे उसकी चतुर्थी, यह नियम हमें याद रखना है। जैसे सैनिक राष्ट्राय प्राणम ददाति, तरुण रुग्णाय रक्तम ददाति, तरुण रुग्ण को रक्त देता है, वृक्ष मनुष्याय फलम ददाति, अथवा यात्रीभ्यः, जो यात्री होते हैं, प्रवास करने वाले होते हैं, वृक्ष यात्रीभ्यः छायाम ददाति। तो जिसे दिया जाता है उस दिए जाने वाले व्यक्ति से, उस दिए जाने वाले शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है, इसे हमने समझना चाहिए। बहु संदर्भे बहु बहुत संदर्भ में होता ऐसे है
कि जैसे मातृभाषा में बहुत बार होता है, मुझे तुम्हें पैसे देने हैं, अब मुझे तुम्हें देने हैं या मुझे तुम्हें देने हैं, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों जगह शब्द का प्रयोग तो समान होता है। संस्कृत में यह संभ्रम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो देता है वह कर्ता होता है, उसकी प्रथम विभक्ति होती है, और जिसे दिया जाता है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। अतः अगर मुझे देना है, ऐसा अगर मैं कहना चाहूं संस्कृत में, भवान मह्यम रूप्यकाणि ददाति, अगर मैं किसी और को दे रहा हूं, अहम भवते रूप्यकाणि ददामि, ऐसे दो स्वतंत्र शब्द प्रयोग होने के कारण इसमें किसी प्रकार का संभ्रम नहीं हो सकता। इस संभ्रम को टालने की दृष्टि से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, यह हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे, व्यवहार में इसका प्रयोग करेंगे, तो मातृभाषा को मन में रखते हुए न करेंगे, संस्कृत के इस नियम को मन में रखे करेंगे, तो हमारा संभाषण नियमबद्ध और शुद्ध होगा। फिर से एक बार देखते हैं, जिसे दिया जाए उस व्यक्ति की चतुर्थी विभक्ति होती है, यह पहला नियम हमने देखा। दूसरा नियम वहां है पत्रिका यही निमित्तम इति तस्य नियमः, जिसको निमित्त करके, जिस निमित्त हम कुछ काम करते हैं उससे भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सोचिए कि रास्ते में कोई बालक जा रहा है, उसके हाथ में फूलों की टोकरी है, और हम उसे पूछेंगे कि ये फूल क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, तो वह बालक उत्तर देगा कि मैं इन फूलों को पूजा के लिए, पूजन के लिए ले जा रहा हूँ, उन फूलों का निमित्त है पूजन। तो संस्कृत में वाक्य प्रयोग कैसे होगा, पुष्पाणि पूजायै नयामि, मैं फूलों को पूजा के लिए ले जा रहा हूँ, उन फूलों का निमित्त जो है वो पूजा है, अतः उस शब्द से चतुर्थी विभक्ति होगी। अपने उदाहरण में लेखिका लेख लिख रही है, वो किस लिए लिख रही है, उसका निमित्त क्या है, तो कोई पत्रिका समाचार पत्र होगा, कोई मासिक पत्रिका होगी, जैसे संभाषण संदेश है संस्कृत में, पूरी संस्कृत में वो पत्रिका है, उस पत्रिका के लिए अगर कोई लेख लिख रहा है तो हम बोलेंगे कि लेखिका पत्रिका यही पत्रिका के निमित्त लेखम लिखती। तो निमित्त इस संदर्भ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, यह दूसरा नियम हमने यहां देखा। तीसरा नियम है परिणाम। हम जानते हैं कि हम विविध क्रिया करते हैं, विविध कुछ हमारी चेष्टाएं होती है, हर चेष्टा का एक परिणाम भी होता है। जैसे यहां हम देखते हैं, अगर किसी के पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, तो स्वाभाविक रूप से जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो अहंकारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा अहंकार में परिणत होता है, धनम अहंकाराय भवति, ऐसा उसमें उदाहरण आया है। अच्छा उदाहरण देखते हैं, क्योंकि हम तो अच्छा अच्छा पढ़ने वाले हैं, भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते, ऐसा उसके बाद का उदाहरण है हम पढ़ पाएंगे। अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा, अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, और संस्कृत में तो ज्ञान का भंडार है, इसलिए हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए। तो संस्कृतम ज्ञानाय कल्पते, ज्ञानम मोक्षाय कल्पते, तो जिसमें वो परिणत होता है, उसका जो परिणाम होता है उसको दिखाने के लिए भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, यह तीसरे नियम में हमने जाना। संस्कृत में क्रोध, द्रोह, असूया, ईर्ष्या, ये जो अंदर के कुछ दुर्भाव है, इनको दिखाने के लिए अलग विभक्ति का प्रयोग होता है। जिन व्यक्ति के बारे में, जिन व्यक्ति के संदर्भ में इन भावों को हम दिखाना चाहते हैं, उन व्यक्ति से चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे लक्ष्मी पंडिताय क्रुध्यति, ऐसा यहां
अपना वाक्य है। लक्ष्मी मतलब पैसा। व्यवहार में बोलते हैं कि जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती नहीं होती, और जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती। तो जो पंडित होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता। क्यों? कहते हैं कि लक्ष्मी पंडिताय क्रुध्यति, वो जो पंडित है, ज्ञानवान है, उसके बारे में क्रोध करती है। हम लौकिक उदाहरण में देखेंगे। सोचते हैं कि कोई उत्तम गायक है, अगर मैं अच्छा नहीं गा पाता तो सर्वसामान्य मनुष्य क्या करता है, वो गायक के बारे में असूया का भाव रखता है। तो सामान्य मनुष्य गायकाय असूयति, वो उसके बारे में असूया का भाव रखता है। तो क्रोध, ईर्ष्या, असूया, इन भावों का जिनके विषय में प्रकटन हमें करना है, उन व्यक्तियों से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यह चौथा नियम हमने देखा। रोचते, अच्छा लगता है, इस शब्दों को दिखाने के संदर्भ में भी जिसे अच्छा लगता है उससे चतुर्थी विभक्ति होती है। छोटे बच्चों को क्या अच्छा लगता है? तो स्वभाव के उसे खेलना अच्छा लगता है। बालकाय खेलनम रोचते, ऐसा उसका प्रयोग होगा। गणेशाय, जो गणेश जी है उन्हें मोदक प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो गणेशाय मोदकम रोचते। हम सब लोग संस्कृत के छात्र हैं, पत्राचार के छात्र हैं, हमको संस्कृत अच्छी लगती है, तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे? अस्मभ्यम, क्योंकि हम सबको अच्छा लगता है, अस्मभ्यम संस्कृत अध्ययनम रोचते, सही है ना? अस्मभ्यम संस्कृत अध्ययनम रोचते, तो जिसे अच्छा लगता है उससे चतुर्थी विभक्ति, यह पांचवा नियम हो गया। आगे नमः, स्वस्ति इत्यादि जो हितचिंतक शब्द है, नमन के संदर्भ में शब्द है, इन शब्दों का भी भाव जिनके प्रति हमें प्रकट करना होता है उनसे चतुर्थी विभक्ति होती है। और यह अत्यंत सरल नियम है, हम सबको पता है। अतः गुरवे नमः, गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो हम कहते हैं, राष्ट्राय स्वाहा, प्रजाभ्य स्वस्ति, ऐसे शब्दों का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे यहाँ एक विशेष नियम है जहाँ हमने समझना चाहिए कि साधारणतः गमन स्थान जो होता है, जहाँ हम जाते हैं, उस गमन स्थान को दिखाने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अहम वाराणसीम गच्छामि, ऐसा प्रयोग होता है। किंतु संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग वहाँ होता है। अहम वाराणस्यै गच्छामि, अहम गृहाय गच्छामि, पिता कार्यालयाय गच्छति इत्यादि गमन स्थान से भी चतुर्थी विभक्ति होती है। ये हमने सातवें नियम से जाना। तो स्थूल रूप से हमने इन सात नियमों को भी अच्छी तरह से अगर समझा तो हम चतुर्थी विभक्ति को पूरी तरह से समझ पाएंगे। और उसी तरह से जैसे हमने पहले कुछ वाक्यों को पढ़ा, उन वाक्यों के आधार पर, इन सात नियमों के आधार पर हम सबने चतुर्थी विभक्ति समझनी चाहिए और उसका व्यवहार में प्रयोग करना चाहिए।